अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा चैनल पे, तो आपको पता है पुरी से आने के बाद मैं अपने होम टाउन आ गया था। सभी होम टाउन पे लाइक वी बेसिकली स्टे इन द टाउन, वी मूव्ड आउट फ्रॉम द विलेज जहाँ पहले हम लोग रहते थे। तो जहाँ हम लोग का ओरिजिनल विलेज है ना, तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं आज, तो उसी के लिए बस निकले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज का जो मौसम है उतना अच्छा नहीं है, तेज बारिश मतलब हो रखा है। एंड जब हम लोग निकल रहे थे आज, मतलब मेरे घर के बाहर ही ये गाड़ी पार्क रहता है, एंड मैं घर से कार का गेट तक जब आया मेरा पूरा राइट साइड भीग गया था। एंड अभी बस बारिश में जा रहा है, इट्स अराउंड आई थिंक 20 किलोमीटर्स फ्रॉम माय लाइक जो टाउन में घर है, द विलेज इज अराउंड 20 किलोमीटर्स। अभी जाते हैं और आपको गांव दिखाते हैं जहां से मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ। गाँव की तरफ तो जा रहे थे, लेकिन बारिश तो इतना तेज हो रहा है, मतलब गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। एंड गाँव में स्ट्रीट लाइट्स होते नहीं है, एंड हर जगह पे बम्पर्स होते हैं, तो मतलब गाड़ी बम्पर्स तो छोड़ दो, मतलब रास्ता ही नहीं दिख रहा, बम्पर तो दूर का बात है। और पता नहीं कैसे गाँव घूमने वाले हैं, आई डोंट थिंक हम लोग गाँव घूम पाएंगे इतने बारिश में। सो फाइनली आफ्टर आधा घंटे के राइड के बाद हम लोग गाँव आ गए अपने। एंड ये जो है इनिशियल लाइक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जो थोड़ा छोटा बाजार है, एंड आगे जाके जो अपना बड़ा बाजार है, मतलब अराउंड 200 मीटर इधर से होगा, बट इधर से ही अपना गांव जो है वो शुरू हो जाता है। एंड यू सी लाइक काफ़ी डेवलप तो नहीं बोलूँगा, बट स्टिल रास्ता यहाँ तक तो सही था, मतलब टाउन से यहाँ तक रास्ता तो ख़राब नहीं था। पहले तो मिट्टी के रास्ते होते थे, अब तो तब भी स्टिल वी हैव अ मच मच बेटर रोड। कि मेरे घर तक तो मतलब मेरा जो पुराना घर था वहाँ तक कॉन्क्रीट था, कॉन्क्रीट जाते लगा नीचे। बेस क्लियरेंस एज यूजुअल गांव में बहुत कम है। एंड ये वाला जो है ये गांव का मेन बाजार है, जहां पे बाजार वगैरह बैठता है। एंड ये जो आपको इस साइड दिख रहा है क्या, क्लियर है क्या विजिबिलिटी? तो ये वाला जो है ये गांव का स्कूल है, लाइक इधर काफी जो बच्चे जो पढ़ते हैं इधर ही पढ़ते हैं। एंड मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया था वहाँ पे, अगर ये वाला स्कूल से मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया था, लाइक मेरा जो पहले क्लास 1-2 होते हैं मैंने यहाँ से ही किया था। एंड यहाँ पे स्ट्रेट जाएंगे तो मेरा जो घर है वो आता है, मतलब अंदर ही है थोड़ा, इधर से भी घुमा के लाता है। तो ये वाला जो है ये मेरा घर हुआ करता था, एक आपको दिख रहा होगा राइट में, अभी बहुत टूट फूट सा गया है, तो ये वाला मेरा घर हुआ करता था। अभी चाचा चाची लोग यहाँ पे रहते हैं, तो मैं गाड़ी घुमा के लाता हूँ, फिर पार्किंग करते हैं, फिर चलते हैं। सो गांव तो आ गया एंड बारिश फाइनली रुका है। तो ये वाला हम लोग का पहले जो था, मतलब बगीचा काइंड ऑफ था, आपको घर देखा तो मतलब ये वाला पूरा बगीचा था, और ये मेरी दादी माँ। तो ये वाला जो है ये मेरा घर था, मैं बहुत पहले इधर रहा करता था। कितने वर्ष हो? 30 वर्ष हो। ऐसे भिन्न में ना ना 23 वर्ष हो, मु तो थी नहीं ना इडी बरसे दी बरसे तो थी नहीं। तो अभी तो ये टूट गया है क्योंकि ये लोग रिपेयर कर रहे हैं। एंड अभी थोड़ा नदी की तरफ जाने वाले हम लोग, तो घर से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं नदी की तरफ। एंड जो बेस्ट चीज़ है कि इस तरफ इतने सारे आम के पेड़ है कि इधर कोई भी आम नहीं खरीदता है, पूरे गाँव में कोई भी आम नहीं खरीदता है। आपको आम खाना है आम के सीज़न में, इधर आ जाओ, कोई भी पेड़ से आम लटका हुआ होगा आप निकाल लो, अगर आप पेड़ पे चढ़ जाओ आम तोड़ो एंड खा दो, तो फ्री का मिल जाता है इधर। एंड काफ़ी बड़ा फील्ड है, लाइक मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊं, लाइक ज़्यादा ही बड़ा फील्ड है। एंड बचपन में मैं यहाँ पे क्रिकेट खेला करता था, लाइक पुराने यादें। अभी तो मैं बहुत सालों बाद इस फील्ड में आ रहा हूँ, अगर फ्रेंड लोग भी आए तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो लोग शहर से है, तो अचानक से आप जब गांव में आते हो ये जो ग्रीनरी वाइब होती है आप देख रहे हैं सारे तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये वाला चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगता है सब चीज़ सबका। आई होप आपको भी लग रहा ही होगा। ये वाला चीज़ आप देख रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट अ स्विंग। तो शहर में आपको स्विंग्स मिलते हैं, बट इधर ऑब्वियसली स्विंग्स तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, दो बैम्बू स्टिक लेते हैं एंड कोई भी पेड़ के ब्रांच पे उसको टायर से, जैसे साइकिल का टायर होता है ना, उससे लगा देते हैं, एंड फिर दे जस्ट इन्जॉय इट। एंड उड़ीसा में एक फेस्टिवल भी होता है रज बोल के, जिसमें ये सब जगह होता है। एंड अभी हम लोग फील्ड आ चुके हैं, एंड लाइक अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई आता नहीं है। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द फील्ड, लाइक ये पूरे पेड़ है आम के, मतलब मुझे मेरा कैमरा शायद जस्टिस नहीं कर रहा है जो, एंड इस फील्ड में मैं बचपन में खेला करता था, लाइक ये रहा क्रिकेट पिच जहाँ पे सब खड़े हुए हैं।
दिस इज़ द क्रिकेट पिच दैट आई यूज़ टू प्ले, थोड़ा साइड हो जाता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ना, अगर अगर ये आपके पैंट में लग जाएंगे तो ये निकलने नहीं वाले। सो एक नदी यहाँ से बहता है। बचपन में पता है क्या, मैं इधर तैरने की बहुत कोशिश करता था एंड मैं आज तक स्विमिंग नहीं सीखा। मैं इधर तैरने की कोशिश किया हूँ जब मैं बचपन में इधर रहता था गाँव में, उसके बाद मैं स्विमिंग क्लासेस गया बट तभी मैं स्विमिंग सीख नहीं पाया। एंड दिस इज़ द रिवर लाइक जस्ट लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल, लाइक नेचर इधर अच्छा होता है गाँव में। एंड शहर में तो आपको सिर्फ बिल्डिंग्स दिखते हैं, इधर कितना ज़्यादा ग्रीनरी है। Teach me to see right. Your love is enough. Your love is enough. I can't contain all this joy that I found. Joy that I found. So भी मैंने आपको घर दिखा दिया, फील्ड दिखा दिया, नदी दिखा दिया। आप जो सबसे मेन अट्रैक्शन है मेरे गांव का, दैट इज द शिव मंदिर। तो इधर एक 300-400 साल पुराने शिव जी का टेंपल है। तो पता नहीं मतलब उस लाइक जिस टाइम पे उधर पहुंचेंगे हम लोग तब तक लाइट्स होगा कि नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका हिस्ट्री बता देता हूँ। वाइल्ड ट्रैवल लाइक चल के जा रहे तो टाइम लगेगा, तो तब तक मैं उसका हिस्ट्री बता देता हूँ। सो ये जो मंदिर है ये 300-400 साल पुराना है। तो ये मंदिर इधर कैसे बना था, तो एक छोटे से शिवलिंग थे जो उधर मिले थे, इत मतलब बहुत छोटे, सब कोई बोलता है। एंड वो वाले छोटे शिवलिंग सिंस वो खुद से ज़मीन से निकले थे, तो आपको पता है इंडिया में अगर कोई ऐसा इंस्टेंस होता है देन दे ट्रीटेड वेरी रिलीजियसली। तो उन्होंने क्या किया था, उस पर मंदिर बनाया गया था, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा होगा इतने शिवलिंग है तो उतने ही होंगे, नहीं, बट आज 300-400 साल बाद भी वो शिवलिंग मतलब इतने बड़े, मतलब काफ़ी थिक और काफ़ी बड़े हो गए, एंड इतने बड़े हो गए कि लिटरली वो स्टोन पे क्रैक्स आने लगे। इट हैज़ ग्रोन सो मच। सो उसी वजह से इस एरिया में ये शिवलिंग बहुत फेमस है, क्योंकि वो खुद से ही निकले थे एंड इट्स ग्रोइंग एवरी अदर डे। सो जो शिवरात्रि में है इधर इतना भीड़ होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि हमें खुद को भी लाइन देना पड़ता है टेंपल के अंदर जाने के लिए। एंड हम लोग इधर के ब्राह्मण्स हैं। बेसिकली ब्राह्मण्स क्या होता है, जैसे ये मंदिर बना था राइट, तो उस टाइम पे जिन्होंने भी जो भी स्टार्ट किए थे तो उनके वंश के हम लोग हैं। तो ये वाला वंश जो है वो 300-400 साल में बहुत स्प्लिट हो गया एंड फिर ये धीरे 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 गांव में बहुत फैमिलीज बन गए। तो लाइक लीगली क्या मतलब एथिकली रिलीजियसली कुछ भी बोलो आप, पहले मैं इसको क्रॉस करता हूँ। रिलीजियसली बोलो कुछ भी बोलो, वी आर अलाउड टू गेट इन टू दी प्रेमिसेस। लाइक हम लोग भगवान को टच कर सकते हैं, उनके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कुल देवता है, आप कुल देवता कह सकते हो। तो मैं आपको अब वो वाला मंदिर दिखाता हूँ। सो ये वाला जो टेम्पल है मैं बात कर रहा था आपको, यही वाला टेम्पल है। दिस इज हाउ द टेम्पल लुक्स फ्रॉम इनसाइड। 300-400 साल पुराना टेम्पल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ओल्डेज बट दिस इज हाउ इट लुक्स। चारों तरफ चार भगवान है, लाइक इधर जगन्नाथ जी है, मैं इसके अंदर जा सकता हूँ क्योंकि मैं हम लोग की कुल देवता है, बाकी कोई नहीं जा सकता, मतलब अनलेस अंटिल आपके कुल देवता आप जा नहीं सकते। तो मैं बहुत क्लोज व्यू दे रहा हूँ। तो ये जो भगवान जी है आपको दिख रहा है, ये बहुत बहुत छोटे से निकले थे एंड अभी काफ़ी वाइड हो गए हैं। अंदर कभी कभी आपको स्नेक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। दिस इज़ हाउ द टेम्पल लुक्स। शाम हो गया था तो गांव में और शूट तो नहीं कर पाए, तो मंदिर का लास्ट शॉट लेके फिर वहाँ से गाड़ी लेके हम लोग निकल गए। एंड अभी फ़िलहाल मैं अपने जो टाउन में जो घर बनाया है उधर आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ दादाजी जो कि ये देख रहे हैं, ये है 86 बुआ बोल रही 86 का, तो 86 एज में ये साइकिल चलाते हैं और वो भी एक दो किलोमीटर नहीं 30 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं एंड कहीं गिर के आते हैं, हर वक्त गिर के आते हैं। और मतलब मुझे नहीं लगता हम लोग 80 साल की उम्र में इतना फिट होने वाले हैं। एंड ये मेरी दादी जी और इनका एज भी अराउंड 76 कहते हो
कितने लोग एज 76 हाँ 76 एज हो गया है। काफ़ी काफ़ी टफ है बट ये लोग सर्वाइव तो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम लोग अपने टाइम पे इतना सर्वाइव कर पाएंगे अराउंड 80 एज में, बट लेट्स सी क्या होता है। आपको समझ में आ रहा होगा मतलब मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं जहाँ से भी बिलोंग करता हूँ वहाँ से पढ़ के wherever I am, I'm really grateful to everyone. So just remember one thing, doesn't matter where you belong to, doesn't matter आपका financial condition क्या है, if वो एक कहावत है ना, if you are born poor it's okay, but if you die poor then it's your fault. So even if you are not financially stable, कुछ भी हो, just make sure you work so hard that at the end of the day you don't have anything to complain. Everyone is happy at a family. That's a main motive, right? तो make sure करो आप भी अगर आप कॉलेज में हो, कोई भी अपने फेस के लाइफ के कोई भी फेस में हो, just make sure you work hard. The results are bound to come. आज नहीं तो कल तो results आएंगी. But अगर आप मेहनत करना बंद कर दोगे, ये सोच के कि मुझे results नहीं मिल रहे, then there's a problem. Just make sure you work hard because results will be there. ठीक है आज नहीं मिलेगा, मेरी placement मार्च में लगी थी, that is when I was placed. So October, November, December, January, February, everyone was getting placed. I was not placed. I was very worried कि यार क्या होगा, क्या करूँ, कहाँ जॉब करूँ. लगी थी जॉब TCS वगैरह में लगी थी, but that's not a job you expect, right? At least I was not expecting that job. तो फिर आप satisfied नहीं थे, तो मेरी मार्च में जाके लगी थी. So it's never over till it's over. So keep working hard, right? So yeah, अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, पूरा गांव का टूर अच्छा लगा, just make sure you give it a like. And if you're new to this channel, do consider subscribing. Also check out our other channel, that's Take You Forward. And हाँ, कमेंट पे बताना कौन सा पार्ट बेस्ट लगा या फिर गांव के बारे में, which part did you love the best. And इसी के साथ मैं वीडियो को रैपअप करता हूँ. Bye bye, take care.